श्लोक नंबर 35। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस त्रिलोक्यः दिव्य ध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयुज्यः। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 35 का शब्दार्थ। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ। स्वर्ग एवं मोक्ष जाने के मार्ग का अनुसंधान करने में अभीष्ट त्रिलोक्यः तीनों लोकों को सद्धर्म तत्व कथनैक पटुः सारभूत धर्म का तत्व समझाने में निपुण विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव विशद अर्थ बतलाने में सर्व भाषाओं के परिणाम गुण ही रूप में परिणत होने के गुणों में प्रयोज्यः प्रयुक्त ते तुम्हारी दिव्य ध्वनि ही अलौकिक ध्वनि भवती होती है। 35वें श्लोक में आचार्य मान्तुम 8वां प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि की चर्चा कर रहे हैं। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि सब जीवों को स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने में सक्षम है। समस्त प्राणियों को सत्य धर्म का रहस्य समझाने में कुशल है। गंभीर अर्थ वाली होकर भी अत्यंत स्पष्ट है और जगत के सभी जीवों के लिए उनकी अपनी अपनी भाषा के अनुरूप बोध देने की उसमें शक्ति है।